अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका यादव और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या यूपी जीके जो हमने शुरू किया है, जिसमें किस जिले में क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या फेमस है, उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाला पार्ट जिसमें हमने लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर नगर को कंप्लीट किया है, वो आप पहले देख लें, ये सेकंड पार्ट है। तो आज हम देखते हैं किसको, आगरा को। आगरा में क्या क्या है देखो, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, आगरा में। केंद्र के सहयोग से निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, आगरा में। ये आगरा का मैप है, ठीक है। आगरा के पास क्या क्या है, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, ये आप देख लो। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक फॉरेंसिक लैब है, फॉरेंसिक लैब। साइबर थाना यहाँ पर है, साइबर क्राइम है तो साइबर लैब। उसके बाद कीमट ताल यहीं पर है, सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में है। ताज महोत्सव ये फरवरी महीने में मनाया जाता है, कहाँ पर है, आगरा। सुलह कुल महोत्सव आगरा। टीवी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर आगरा। सेंट्रल लिप्रोसी इंस्टीट्यूट ये आया हुआ भी है, सेंट्रल लिप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है, आगरा में। और ये राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय भी, नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज, पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज ये आगरा में है। प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन का केंद्र आगरा है ना। चमड़ा निर्यात, चमड़ा के लिए हमने दो चीज पढ़ ली, एक आगरा हो गया और एक कानपुर, याद है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा। इसके बाद आगरा में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, हो गया है। तो आगरा मंडल के अंतर्गत कौन, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इतने जिले आते हैं, कितने, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। आगरा यमुना नदी के तट पर है। एक क्वेश्चन आता है कि ये शहर या फिर ये जिला किस नदी के तट पर है, कौन सा गोमती पे है, कौन कहाँ पर है, ठीक है। तो आगरा पे कौन सी, यमुना नदी। तो खेरिया हवाई अड्डा आगरा। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में। और नवरात्रि पर गणगौर मेला भी लगता है, कैलाश मेला आगरा। कितने मेले हो गए, गणगौर मेला, बटेश्वर मेला, कैलाश, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऊंट का होता है, बेचे खरीदे जाते हैं। दैनिक बाजार, दैनिक समाचार पत्र स्वराज टाइम्स, क्या नाम है, स्वराज टाइम्स आगरा में है। साप्ताहिक पत्र प्रेम प्रचारक आगरा। केंद्र द्वारा सौर ऊर्जा शहर के रूप में विकासी ने ये देश के प्रस्तावित सूचना औद्योगिकी पार्क आईटी सिटी आगरा। उसके बाद मासिक पत्र पत्रिकाएं छात्र शक्ति, नोक झोंक और प्रतियोगिता दर्पण, ये तो बहुत है अच्छा। प्रतियोगिता दर्पण का केंद्र कहाँ पे है, सब आगरा में। साहित्य लोक, साहित्य संदेश, विज्ञान लोक, युवक, ये सब क्या है, आगरा में। एक क्विक रिवीजन फिर से मारते हैं स्टार पॉइंट पे, क्या कीमट ताल झील ये कहाँ पर है, आगरा में। सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा। सेंट्रल लिप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा। नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा। चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा। खेरिया हवाई अड्डा आगरा। बटेश्वर मेला आगरा। कैलाश मेला आगरा। और स्वराज टाइम्स और प्रतियोगिता दर्पण का, इतना आगरा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ने तो सारे ही है लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं अमेठी की। देखो अमेठी के पास क्या है, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली, ठीक है। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी आईआईटी कहाँ पर है, अमेठी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, अमेठी में। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, चीनी उद्योग या डिस्कवरी पार्क की बात की जाए तो अमेठी में है। AK-47 राइफल निर्माण की इकाई कहाँ पर है, अमेठी में। उसका CRPF के लिए प्रशिक्षण केंद्र और टीकम माफी आश्रम, जायसी स्मारक कहाँ पर है, अमेठी में। उतना ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा आगरा। अब बात करते हैं हम क्या, गोरखपुर की। यहां से तो थोड़ा ही इम्पोर्टेंट था। अच्छा, राप्ती नगरी नदी के किनारे क्या है, गोरखपुर। गोरखपुर के पहले लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ पे सिद्धार्थ नगर है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ और संत कबीर नगर, यहाँ पे बीच में है क्या तुम्हारा, गोरखपुर। राप्ती नदी के किनारे, अभी हमने पढ़ा यमुना नदी के किनारे, ठीक है। और लखनऊ कहाँ था, गोमती नदी के किनारे, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। प्रदेश के तीन राजकीय बौद्ध संग्रहालयों में से एक गोरखपुर में है, ठीक है। न्यू गोरखपुर आवासीय योजना 9। अपैरल पार्क की स्थापना की जा रही है गोरखपुर में, ये ठीक है।
टेक्सटाइल पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर, सरयू महोत्सव, ये अच्छा है सरयू महोत्सव, गोरखपुर, खिचड़ी मेला, गोरखपुर जब मेला कंप्लीट करेंगे तो वहां पे एक बार फिर से पढ़ेंगे, गोरखनाथ मंदिर, नाथ संप्रदाय का सिद्ध पीठ ये है, गीता प्रेस गोरखपुर, पता ही है सभी जो गीता रामायण है वो सब गोरखपुर से प्रकाशित होती है यहाँ पे, और गीता वाटिका गोरखपुर, रामगढ़ ताल गोरखपुर, टेराकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गोरखपुर, अच्छा ये गीडा, गीडा क्या है, गोरखपुर औद्योगिक और विकास प्राधिकरण गीडा, ठीक है गोरखपुर में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, पूछेगा ऐसे वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पे है, चार दे देगा फिर बताना है तुम्हें गोरखपुर में, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय गोरखपुर, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, यूरिया उर्वरक कारखाना गोरखपुर, अच्छा राहुल सांस्कृतियान संस्थान ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है फॉरेंसिक के लैब ठीक, और सोह गौरा चोरी चोरा कांड, ये तो हिस्ट्री का है सबको ही पता है कहाँ पे है ये, गोरखपुर में, अच्छा चोरी चोरा कांड से अभी याद आया, चोरी चोरा कांड का नाम अब परिवर्तित कर दिया गया है, चोरी चोरा कांड का अब नाम क्या हो गया है, चोरी चोरा जन आक्रोश, ठीक है कांड एक नेगेटिव वर्ड था जिसे अब हटा दिया गया है, ठीक है, फुटबियर उद्योग, स्प्रिट व शराब उद्योग, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है पूर्वोत्तर, ये हो गया तुम्हारा पूर्व, ये हो गया उत्तर, तो पूर्वोत्तर का मुख्यालय कहां पर है, गोरखपुर में, जूट उद्योग सहजनवा गोरखपुर में है, सहजनवा सुना ही होगा, उसके बाद गोंड, थारू, नायक, राजी आदि जनजातियां जो है गोरखपुर, ये जो तराई क्षेत्र में पड़ जाता है ना गोरखपुर, तो यहीं पे सब पाई जाती हैं, तो गोरखपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, देखो गोरखपुर के महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, ठीक है कितने, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, चार। मासिक पत्र पत्रिकाएं हैं आरोग्य, कल्याण, और कल्याण किसके, गीता प्रेस गोरखपुर की है। उसके बाद करते हैं हम गाजियाबाद की, मेरा गाजियाबाद, गाजियाबाद मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है, ये बहुत बुरी बात है, यहाँ पे सच में बहुत डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है, घनत्व, मास अपॉन वॉल्यूम, सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, ये तो सबको पता है, उपनाम उद्योग नगरी है, गाजियाबाद को उद्योग नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पाक्षिक पत्रिका क्या है, प्रलयंकर, मासिक पत्रिका धरती माँ, शक्ति माँ, गाजियाबाद औद्योगिक केंद्र संस्थान एवं पार्क, सर्वाधिक नगरीकृत जिला है ट्रोनिका सिटी, ट्रोनिका सिटी कानपुर के, एक कानपुर था और एक गाजियाबाद, दो ट्रोनिका सिटी के नाम पर आते हैं, हज हाउस यहाँ पर था गाजियाबाद में, अभी बंद कर दिया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है ओखला पक्षी बिहार जो है गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध की सीमा पर है, ये इम्पोर्टेंट है, क्लॉथ कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद। बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की, ठीक है गाजियाबाद के पास ही है गौतम बुद्ध नगर, ये रहा गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ से लगा हुआ, ये भी मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, केंद्र के सहयोग से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इम्पोर्टेंट हो गया, कहाँ पर है गौतम बुद्ध नगर में, इसका मुख्यालय नोएडा है, ठीक है नोएडा के पास हिंडन नदी है, यमुना नदी से मिलती है, यहीं पर है, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान गौतम बुद्ध नगर, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे पेपर में भी आता है, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है ना, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, फिर एक बार पढ़ लो, बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट गौतम बुद्ध नगर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सिटी, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट फॉर्मूला वन रेस यहीं पर है, उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क गौतम बुद्ध नगर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा के अतिरिक्त यहाँ पर भी है, टॉय सिटी, टॉय सिटी राज्य का दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, फिर से सुन लो, जैव प्रौद्योगिकी पार्क इम्पोर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान कहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ऑटोमोबाइल ये इम्पोर्टेंट है, ऑटोमोबाइल उद्योग गौतम बुद्ध नगर, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय यहाँ पर है, नॉलेज पार्क बहुत ही ज्यादा, नॉलेज पार्क कहाँ पर है गौतम बुद्ध नगर, वेब सिटी गौतम बुद्ध नगर, ठीक है राज्य के क्रियाशील सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, भारत का नाइट सफारी ये रहा, नाइट सफारी गौतम बुद्ध नगर, यहीं पर अगर आ जाए लाइन सफारी तो क्या लगाओगे, लाइन सफारी तो लगाओगे इटावा,
ठीक है चल कैसा रहा है। इटावा और नाइट सफारी गौतम बुद्ध नगर, अंडरग्राउंड पार्क वाला देश का प्रथम गोल्फ कोर्स गौतम बुद्ध नगर, अंतरराष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर ये अभी बन रहा है ठीक है ये गौतम बुद्ध नगर में। बात करते हैं मेरठ की, पहले मेरठ देख लो, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, बागपत, शामली, इनके पास लगा हुआ है। शामली वही है जो सबसे बाद में जुड़ा है किसमें, एनसीआर में ठीक है। मेरठ चीनी उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध मेरठ, भारत स्टील रोलिंग मिल, ट्रांसफॉर्मर कारखाना, हौजरी एवं वस्त्र उद्योग, आलमगीरपुर ये एक ऐतिहासिक स्थल है ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ में। और मेरठ के एक फ्लाइंग स्कूल भी है, फ्लाइंग स्कूल है ठीक है। और आगरा में क्या था, पैरासूट वाला, और यहाँ पर एक फ्लाइंग स्कूल। मासिक पत्र पत्रिकाएं क्या है, बहुरंगी, मारतंड, नौचंदी का मेला, नौचंदी का मेला और सरधना का मेला। खेल उपकरण जो खेल का सामान होता है वो सब कहाँ बनता है, मेरठ में। मेरठ मंडल के अंतर्गत छह पढ़ लिया हमने, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़ सबसे छोटा ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, सेंट्रल पोटैटो आलू आलू का संस्थान कहाँ पर है, मेरठ। सरदार पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, कैंची उद्योग का केंद्र मेरठ, डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा, खेल सामान उद्योग हो गया, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का मुख्य भाग मेरठ ही है ठीक है। राज्य में प्रस्तावित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सात है इसमें से एक, ये तो हर जगह ही है। उसके तो मथुरा को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान पूछा जाता है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पर है, मथुरा में। मथुरा के लोकेशन देख लो पहले, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, ये रहा मथुरा ठीक है। मथुरा यमुना नदी के किनारे है, अभी यमुना के किनारे हमने आगरा भी पढ़ा था, मथुरा भी है। ये सीधी ट्रेन जाती है दिल्ली से होते हुए, सारे कहाँ पड़ते हैं, यमुना नदी के किनारे ठीक है। आगरा मंडल के अंतर्गत शामिल है ठीक है। पेंटिंग्स उद्योग, राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय मथुरा में है। पेड़ा नगरी, जो पेड़ा खाते हो तुम, मथुरा। पंडा नगरी भी मथुरा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मथुरा में। गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा, गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा, बकरी अनुसंधान मथुरा, एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा। प्रसिद्ध स्थल क्या क्या है, वृंदावन, बरसाना, दाऊजी, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, महावन, बलदेव, मानसरोवर, कोकिला वन ठीक है सब है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा, और सबसे ज्यादा वर्षा वाला अभी पड़ा गोरखपुर ठीक है। नौ झील मथुरा में, राधा कृष्ण राधा श्याम कुंड गोवर्धन में, मथुरा में मानसी गंगा कुंड ताल गोवर्धन, कंस मेला गोवर्धन, हरिदास जयंती मेला इंपॉर्टेंट है मथुरा, मुंडिया मेला वृंदावन, श्रावणी और जन्माष्टमी मथुरा, भगवत गीता अनुसंधान संस्थान मथुरा। वाराणसी, वाराणसी में क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है IIVR, तुम समझ जाना क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, या हिंदी में लिख के आ जाए एक ही बात है, साग सब्जी अनुसंधान कहाँ पर, वाराणसी में ये ठीक है। वाराणसी मंडल के अंतर्गत वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली जिले आते हैं, देख लेते हैं वाराणसी के अंदर जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और ये संत आ जाते हैं कबीरनगर। ये यहाँ पे है भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, वाराणसी में। वाराणसी की साड़ियां भी बहुत फेमस है भाई। उपनाम विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर और राड़साड़, सीढ़ी नगर, घाट नगर, पंडा नगर कहाँ पर है, वाराणसी में। पंडा नगर बोला है, मथुरा वाला नहीं पढ़ना ठीक है। ज्ञान पावी मस्जिद, ध्रुपद मेला ये इंपॉर्टेंट है, ध्रुपद मेला वाराणसी में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन वाराणसी, केंद्र में निर्माणाधीन फॉरेंसिक लैब नहीं, औंधीताल वाराणसी में, ये अच्छा है क्वेश्चन, औंधीताल वाराणसी। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी, नक कटैया मेला वाराणसी, रथ यात्रा मेला वाराणसी, वाराणसी है ही धार्मिक नगरी ठीक है। वाराणसी से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हैं सन्मार्ग, गांडीव और मासिक पत्र पत्रिकाएं हैं आपका स्वास्थ्य, जीवन शिक्षा, कहानीकार नई तालीम, राजा बेटा, रानी बिटिया, शिक्षा जगत और शिक्षक ठीक है।
प्रदेश में पहला हिंदी दैनिक बनारस 1845 से प्रकाशित यहीं पे होता है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं, उल्लेखनीय है कि देश का पहला हिंदी समाचार पत्र, तो ऐतिहासिक क्वेश्चन हो गया, उद्दंड मार्तंड जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और वैदिक विज्ञान केंद्र BHU, मतलब वैदिक विज्ञान केंद्र BHU से प्रस्तावित है यहाँ पे, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, देखो चावल हो गया या सब्जी हो गया, वेजिटेबल, ठीक है। दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये भी वाराणसी में यहाँ पे आते हैं। राजकीय मुद्रणालय यहाँ पर है, चार में से। डॉक्टर अम्बेडकर एस्ट्रोटर्क हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, अमौसी, बमरौली सब पूछेगा, वाराणसी में हो सकता है मैचिंग करने को आ जाए। तो लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत कला भवन, ठीक है, क्या है, भारत कला भवन कहाँ है, वाराणसी में। और रेशमी कपड़ा, तो ये भारत कला भवन है, मतलब भारत का पूरा, कहाँ पर है, यूपी, यूपी जीके के लिहाज से हो गया ना इम्पोर्टेंट। रेशमी कपड़ा साड़ी अभी बताया था मैंने, रेशमी साड़ी जो यहाँ पे मिलती है उन्हें बोलते हैं बनारसी साड़ी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। मानसिक चिकित्सा संस्थान हज हाउस यहाँ पर भी। आभूषण उद्योग, पीतल के बर्तन कलई उद्योग यहाँ पर है। गलीचा कालीन यहाँ पे बनती है। भारत माता मंदिर इम्पोर्टेंट वाराणसी। और ये मार्कंडेय मंदिर, भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद, लोक कला संग्रहालय। अन्नपूर्णा मंदिर, भोजपुरी भवन, राज्य हिंदी संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। काल भैरव मंदिर वाराणसी। मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र वाराणसी। और भाभाट्रॉन पॉसिजन टेक्नोलॉजी, अब मुझे पता है ये थोड़ा याद करने में लंबा पड़ जाएगा, लेकिन आप 4-5 बार इसको अपने आप से पढ़ेंगे हो जाएगा। 2-3 बार वीडियो देख लो और इसके जो स्टार वाले हैं इनकी तो लिस्ट बना लो, याद हो ही जाएंगे, आप धीरे धीरे करोगे ना। रायबरेली, रायबरेली में चलते हैं देखते हैं। तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, उसी लिए तो मैंने सबसे पहले आपको मैप पढ़ाया था यूपी जीके का। पहले आपको यूपी जीके में पता होना चाहिए कहाँ पे किसकी लोकेशन है, तब ज्यादा इजीली हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट कहाँ है, रायबरेली में। देश का पहला महिला विश्वविद्यालय रायबरेली। फुर्सतगंज हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, और भूगेताल बिसेथा ताल लखनऊ मंडल में स्थित, ठीक है। इसके बाद रेल कोच कारखाना देश का तीसरा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे है, रायबरेली में। रेल पहिया कारखाना रायबरेली। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली, अच्छा अमेठी में भी था राजीव गांधी करके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एज समस्तपुर पश्चिम बिहार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में। प्रदेश में सबसे अधिक नहरें रायबरेली में है, ठीक है। ये हो गया महिला विश्वविद्यालय पढ़ लिया हमने। तो ये थे कुछ खास जिले जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। यहां से क्या क्या खास है ये सब आपको पढ़ना है, ये वाले तो पहले पढ़ना है उसके बाद पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो आप अपने नोट्स बनाते रहो और घर में पढ़ते रहो, बी सेफ। और थैंक यू, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं मेरे चैनल।